एआई मेरी जॉब खाने वाला है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जॉब खाने वाला है और शायद आपकी भी जॉब खा जाए। ऐसी लाइंस आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुनी होंगी और बहुत सारे आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है तो वीडियो को पूरा देखना। सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रियल एफएक्स। एआई ने ऑलरेडी दुनिया को बदल के रख दिया है। हर जगह एआई छाया हुआ है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, हर जगह एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, एआई इंसान पे हावी हो जाएगा। सब डरे हुए हैं, यहाँ तक कि वीएफएक्स आर्टिस्ट भी डरे हुए हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सच में एआई आपकी जॉब खा सकता है। इससे पहले हमको वीएफएक्स का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि एक वीएफएक्स स्टूडियो में काम कैसे होता है, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट काम कैसे करता है। जब एक फिल्म बनती है तो उसकी तैयारी कहाँ से होती है? सबसे पहला स्टेप आता है आइडिया। आइडिया आता है राइटर को और वो आइडिया से एक स्क्रिप्ट लिखता है, फिर उस स्क्रिप्ट की स्टोरी बोर्डिंग होती है। सो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट राइटर के आइडिया को विजुलाइज करके स्क्रीन पे पेंट करता है, ड्रॉ करता है, बेसिकली एक रफ ड्रॉइंग करता है राइटर के आइडिया के हिसाब से। स्टोरी बोर्ड के बाद होता है प्री विजुलाइजेशन। प्री विजुलाइजेशन में पूरे फिल्म के स्क्रीन प्ले को प्री विजुलाइज किया जाता है। सो प्री विजुलाइज यूजली 3D में होता है, उसका एक रफ मॉडल बना के पूरे सीन को प्री विजुलाइज करते हैं कि हाँ पूरा सीन कैसा होगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से पॉसिबल है करना इस सीन को। सो प्री विजुलाइजेशन प्लानिंग के लिए होता है ताकि एक सीन को पूरे मूवी को अच्छे से प्लान कर पाए। प्री विजुलाइजेशन के बाद होता है फिल्मिंग। फिल्मिंग में बेसिकली शूट होता है पूरा मूवी और शूट के बाद होता है पोस्ट प्रोडक्शन। सो पोस्ट प्रोडक्शन की शुरुआत होती है लेआउट से। पहले एक लेआउट बिल्ड किया जाता है कि हाँ एक सीन में चीज़ें क्या होंगी, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कौन से कैरेक्टर को कहाँ रखना है, पूरा एक लेआउट सेटअप करा जाता है ताकि हाँ वो एक मेज़ बन जाए, फिर उस मेज़ पे हम काम कर सके। फिर उस मेज़ को फाइनल करके मॉडलिंग होता है, टेक्सचरिंग होता है, लाइटिंग होता है। सो वो भी प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। जब लेआउट फाइनल हो जाता है तो उसके बाद आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल हो, कोई डॉग हो, कोई भी क्रिएचर हो, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, वो मॉडलिंग में उसको मॉडल किया जाता है। बेसिकली उसको मॉडलिंग आर्टिस्ट बनाता है फ्रॉम स्क्रैच। मॉडलिंग के साथ एक और टास्क एसोसिएटेड है, लेकिन वो मॉडलिंग आर्टिस्ट नहीं करता है, वो रिगिंग आर्टिस्ट करते हैं। सो उसको रिगिंग बोला जाता है। मान लो कि एक टाइगर है, अगर उस टाइगर का एनिमेशन करना है मुझे, पर उसका एक्यूरेट एनिमेशन करने के लिए मुझे उसका एक कंट्रोल चाहिए होगा, तो वो कंट्रोल कौन देगा? वो कंट्रोल रिगिंग आर्टिस्ट देते हैं। रिगिंग आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो बोन्स और मसल्स को बिल्ड करते हैं ताकि उससे कंट्रोल मिल पाए। हर एक मसल्स का कंट्रोल होता है, हर एक बोन्स का कंट्रोल होता है, तो वो पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स को पकड़ के एनिमेटर एनिमेशन कर सकता है। सो एक रिगिंग आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी क्रिएचर के एनिमेशन को रियलिस्टिक बनाना, एक्यूरेट बनाना। अगर रिगिंग परफेक्ट नहीं होगी तो एनिमेशन भी अच्छा नहीं होगा। मॉडलिंग के बाद आता है टेक्सचरिंग। जी हाँ, टेक्सचरिंग में उस मॉडल को टेक्सचर किया जाता है, बेसिकली उस पर टेक्सचर डाला जाता है। मान लो कि अगर कोई टेबल का मॉडल है तो उस पर कोई टेक्सचर डालना है, तो वो टेक्सचर कैसा होगा? ब्राउन कलर का होगा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा, थोड़ा लाइट ब्राउन होगा। तो उस तरीके से उस पर टेक्सचर डाला जाता है, जो कि डायरेक्टर की डिमांड होती है उस तरीके से ही डाला जाता है। मान लो कि डायरेक्टर ने बोला है कि मुझे डार्क ब्राउन टेबल चाहिए, तो उस तरीके का ही टेक्सचर उस पर मैप किया जाएगा। मॉडलिंग के बाद रिगिंग होती है, रिगिंग के बाद टेक्सचरिंग होती है, टेक्सचरिंग के बाद लाइटिंग होती है। लाइटिंग में ऑब्वियसली जैसा कि आप नाम से पहचान सकते हैं, लाइटिंग होती है, किसी भी सीन की लाइटिंग करी जाती है शॉट के हिसाब से कि कैसी लाइटिंग चाहिए, राइट से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, फ्रंट से चाहिए, बैक से चाहिए। सो उस तरीके की लाइटिंग करी जाती है। सो अभी मैंने जितने भी आपको डिपार्टमेंट बताए, लेआउट से लेके रेंडरिंग तक, वो सब 3D डिपार्टमेंट से। अब हम बात करेंगे 2D डिपार्टमेंट की। 2D में कौन कौन से डिपार्टमेंट है? सो सबसे पहले आता है रोटोस्कोपिंग। तो रोटोस्कोपिंग क्या होता है? रोटोस्कोपिंग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको बैकग्राउंड से सेपरेट करना, ताकि उसको हम यूज कर सके। मान लो कि मुझे किसी कैरेक्टर के पीछे कोई बैकग्राउंड डालना है, तो उसको पहले मुझे रोटो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे तो डाल नहीं सकता, क्योंकि उसका मेरे पास कोई अल्फा का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे उसको कैरेक्टर को कट करना पड़ेगा, उसका रोटो करना पड़ेगा, फिर उसके पीछे बैकग्राउंड डालना पड़ेगा। तो रोटो का काम वो होता है। दूसरा टास्क है प्रेप। प्रेप को बेसिकली हम इजी वे में बोल सकते हैं इरेज एंड रिमूव। कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना, रिमूव करना, वो प्रेप में आता है। हम उसको टेक्निकल टर्म में प्रेप बोलते हैं। तो दैट इज प्रेप। प्रेप के बाद आ जाते हैं मैट पेंटिंग पे। मैट पेंटिंग आर्टिस्ट मैट पेंट्स बनाते हैं, बेसिकली पेंटिंग्स बनाते हैं, बैकग्राउंड्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं। जो भी आप बहुत बड़े बड़े मैट पेंट्स या बहुत बड़े बड़े एनवायरनमेंट्स देखते हैं, कभी कभी जो 2D एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो मैट पेंटर्स बनाते हैं।
सो मैट पेंट का काम वो होता है, बैकग्राउंड बनाना, मैट पेंट्स बनाना, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना। फिर उसके बाद लास्ट डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं जो कि VFX का सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है, कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में बेसिकली सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना होता है। मुझे मान लो कि 3D डिपार्टमेंट से एलिमेंट आया, रोटो डिपार्टमेंट से एलिमेंट आया, FX डिपार्टमेंट से मुझे एलिमेंट आया, मेट पेंट से भी मुझे एलिमेंट आया, उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना होता है, फिर उसको एक रियलिस्टिक लुक देना होता है एज पर डायरेक्टर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, जैसा डायरेक्टर चाहता है। मान लो कि डायरेक्टर बोलता है कि मुझे इस क्रिएचर का कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए, मुझे इस माउंटेन का कलर थोड़ा ब्राइट चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स होती है, उन डिटेल्स को मेंटेन करते हुए, एक सीमलेस इंटीग्रेशन करते हुए रियलिस्टिक आउटपुट देना कंपोजिटर का काम होता है। जो भी आप मूवी में फाइनल आउटपुट देखते हो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कंपोजिटर का। जी हाँ, कंपोजिटिंग किसी भी इमेज को रियलिस्टिक बना सकता है, कितनी भी बैड लुकिंग इमेज को एक गुड लुकिंग इमेज बना सकता है। फिर कंपोजिटिंग के बाद आ जाते हैं एडिटिंग में। सो एडिटिंग में एक तो DI होता है, DI और कलर करेक्शन एक ही चीज़ है, मतलब DI का फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरमीडिएट, हम उसको ईजी भाषा में कलर करेक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद पूरी फिल्म मेकिंग का सबसे फाइनल स्टेप है एडिटिंग, जहाँ पे शॉर्ट्स में कट्स लगता है और उस कट्स को डायरेक्टर फाइनल करता है। अब जब मैंने आपको ये फिल्म मेकिंग का लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया, क्या AI इस पूरे प्रोसेस को रिप्लेस कर सकता है या फिर इनमें से दो तीन टास्क को रिप्लेस कर देगा? अगर आपसे मैं ये कहूँ कि AI ऑलरेडी इनमें से दो तीन टास्क को रिप्लेस कर चुका है। जी हाँ, AI ऑलरेडी इनमें से दो तीन टास्क को रिप्लेस कर चुका है। सबसे पहला टूल है RunwayML। RunwayML इतना फास्ट रोटो कर देता है किसी भी फुटेज का, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फुटेज इंपोर्ट करो और जो भी कैरेक्टर का आपको रोटो करना है उसको सिलेक्ट करो और उसको सिलेक्ट करके ऑटो कट पे क्लिक कर दो, आपका काम खत्म। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बाकी का काम AI कर देगा। और मैंने खुद भी इसको ट्राई किया है, बहुत ही फास्ट आउटपुट है इसका, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज करके देख सकते हो। दूसरा टास्क है प्रेप, यानी कि ऑब्जेक्ट रिमूव करना, किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करना एक वीडियो में से, वो भी RunwayML कर देता है। जी हाँ, फुटेज इंपोर्ट करो, कैरेक्टर को सिलेक्ट करो और उसमें इंस पेंटिंग पे सिलेक्ट कर दो, पूरे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करना आपको, इतना फास्ट आउटपुट है। ऐसे शॉट्स को करने में एक या दो दिन लग जाते थे, अब आपका काम चुटकियों में हो जाता है, एक मिनट में हो जाता है रोटोस्कोपिंग और पेंटिंग। ओके, थर्ड है वंडर स्टूडियो बाय वंडर डायनामिक्स। ये टूल क्या नहीं करता भाई, जब ये टूल का मैंने पहला रिलीज देखा तो आई वॉज शॉक्ड, मतलब वन क्लिक में सब कुछ। जी हाँ, आपको सिर्फ फुटेज इंपोर्ट करना है, फुटेज इंपोर्ट करके आपके कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है जिसको आपको 3D मॉडल के साथ रिप्लेस करना है, फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पसंदीदा 3D मॉडल सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका काम खत्म। जी हाँ, बस इतना ही था, उसके बाद AI सब कर देगा, आप जाओ बिस्तर रोड के सो जाओ, AI आपका काम कर देगा। फिर आप सब वंडर स्टूडियो पे छोड़ दो, वो फिर कैरेक्टर का एनिमेशन भी मैच कर लेगा, जो मोशन कैप्चर होता है एग्जैक्ट एनिमेशन मैच कर लेगा, फिर वो कैरेक्टर को वीडियो में से रिमूव भी कर देगा, रिमूव करने के बाद मोशन ट्रैकिंग भी कर लेगा। जी हाँ, आपके फुटेज का जो कैमरा ट्रैकिंग होगा वो ट्रैकिंग भी कर लेगा, ट्रैकिंग करने के बाद उस 3D मॉडल का वो लाइटिंग भी मैच कर लेगा, लाइटिंग मैच करने के बाद आपको फाइनल आउटपुट दे देगा वो। जी हाँ, इतना सब कुछ, वो भी एक ही सॉफ्टवेयर में, एक क्लिक में, एक ही मिनट में। सोचो अगर मैं ये काम करने बैठता या कोई एक नॉर्मल VFX आर्टिस्ट काम करने बैठता तो इसको कितना टाइम लगता, कम से कम 2 से 3 दिन। जी हाँ, 2 से 3 दिन लग जाते हैं ये काम करने में एक VFX आर्टिस्ट को, लेकिन इसने चुटकियों में कर दिया, एक मिनट में कर दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतना आसान कर दिया कि आप भी VFX करते हो, एक नॉर्मल बंदा भी VFX कर सकता है, कोई भी VFX कर सकता है अभी। अभी जो मैंने आपको AI टूल्स बताए, RunwayML और वर्ल्ड स्टूडियो, क्या ये इतने रिलायबल है कि एक आर्टिस्ट की जॉब खा सके? क्या ये AI टूल इतना एक्यूरेट है कि एक VFX आर्टिस्ट की जॉब खा सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है नो, नहीं खा सकते। आपको डरने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने इन टूल्स को खुद यूज किया है कि बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लोर किया है और मुझे ये पता लगा कि ये अभी कैपेबल नहीं है VFX आर्टिस्ट की जॉब रिप्लेस करने में। जितना एक्यूरेटली एक VFX आर्टिस्ट काम कर सकता है, जितना डिटेल में काम कर सकता है, उतना AI टूल्स नहीं कर सकता अभी भी। और जितनी भी AI टूल्स मैंने देखे हैं उसमें से 90% ऑफ द टूल्स तो ट्रैश है, कुछ काम के नहीं है। ये जो मैंने आपको टूल्स बताए ये कुछ काम के हैं, लेकिन उस लेवल तक का काम नहीं कर सकते जितना VFX आर्टिस्ट कर सकता है। क्योंकि जब एक प्रोफेशनल VFX आर्टिस्ट जो एक स्टूडियो में काम करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर शॉट पे जब काम करता है, तो उसमें इन डिटेल सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एक एक पिक्सेल चेक करा जाता है, शॉट की हर एक डिटेल पे ध्यान दिया जाता है, शॉट कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ह्यूमन के क्रिएटिव आइडियाज़, ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
वो AI में अभी भी नहीं है और AI इतना एक्यूरेट नहीं है कि एक VFX आर्टिस्ट को रिप्लेस कर पाए। जितने भी आपको मैंने टूल्स बताए हैं उनमें से एक भी टूल्स अभी तक VFX स्टूडियो में यूज़ नहीं होता है। किसी भी VFX स्टूडियो ने अभी तक इसको अप्रोच नहीं किया है क्योंकि इनका आउटपुट एक्यूरेट नहीं है और एक VFX आर्टिस्ट जितना अच्छा काम ये लोग नहीं कर सकते। तो हर शॉट में छोटी छोटी डिटेल्स होती है, उन डिटेल्स पे काम करना, वो क्वालिटी आउटपुट देना अभी AI के बस की बात नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, AI आपकी जॉब नहीं खाएगा। दूसरा रीज़न है क्रिएटिविटी। AI अभी भी उतना क्रिएटिव नहीं हुआ है कि वो एक इंसान जितना क्रिएटिवली सोच सके। AI से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, AI से आप कॉन्सेप्ट आर्ट के रेफरेंसेस ले सकते हो, जैसे मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और भी टूल्स हैं। AI को एक ह्यूज डाटा सेट पे ट्रेन किया गया है, वो जो भी इमेज जनरेट करता है वो कहीं ना कहीं से चुराया हुआ है एक तरीके से। बिलियंस ऑफ इमेजेस के डेटा से उसको ट्रेन किया गया है। AI की सोच वहाँ तक ही जा सकती है जितना उसमें डेटा है, उससे आगे AI सोच नहीं सकता। लेकिन इंसान ओरिजिनल आइडियाज डेवलप कर सकते हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज सोच सकते हैं, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, लेकिन AI ये सब नहीं कर सकता अभी भी। फाइनली, AI इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। AI अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता ह्यूमन से। जी हाँ, AI अभी भी इंसानों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ओके, जब एक VFX आर्टिस्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और किसी पर्टिकुलर शॉट पे काम कर रहा होता है, तो उस शॉट में जब उसको चैलेंजेस फेस होते हैं या फिर क्रिएटिव ब्लॉकेज होता है, कभी कभी क्रिएटिवली हम सोच नहीं पाते हैं, तो आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके सारे आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करना होता है, और बहुत सारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को लेके भी आर्टिस्ट को डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, प्रोड्यूसर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और ये सब करने में AI अभी भी बहुत कमज़ोर है। सो पॉसिबिलिटीज हैं कि AI VFX आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि AI VFX आर्टिस्ट को इतना जल्द रिप्लेस कर पाएगा, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। VFX आर्टिस्ट के पास बहुत सारी स्किल्स हैं इंडस्ट्री को ऑफर करने के लिए, जो कि AI कभी नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन, और भी ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो AI कभी नहीं कर सकता, और इन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है एक अमेजिंग विजुअल्स बनाने में। और अगर आप VFX को एज अ करियर देख रहे हो तो बेफिक्र आप VFX इंडस्ट्री को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है। तो VFX इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और आगे भी बहुत ग्रोथ होने वाली है, और अभी भी बहुत डिमांड है एक VFX आर्टिस्ट की। तो आप बेफिक्र एक VFX आर्टिस्ट बन सकते हैं बेझिझक, कोई टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, आप अपना काम करते रहिए, नए नए आइडियाज डेवलप करिए, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे क्रिएटिव।